चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे तो आप लाजिम सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नक्शा अगर आपको नहीं मिलता या कोई ऐसा मसला है, कोई परेशानी है, कोई आपको दुख तकलीफ़ है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपकी बहन आपकी भरपूर मदद करेगी। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, ये अमल नहीं, ये एक इतना बड़ा ख़जाना है कि जिसके हाथ ये लग जाए या जिसको ये मिल जाए, सिर्फ ये अमल उसी का है और उसी के हर काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अमल क्या एक भेषभा की कीमती ख़जाना है ये, और ये जो ख़जाना है ये आपको कैसे हासिल हो सकता है। आज जो नक्श मैंने आज स्क्रीन पे चलाया है ये नक्श मोकिल है, ये नक्श मोकिल है। इस नक्श मोकिल से हम देखें पहले कि ये जो नाम है जितने भी मोकलों के, इनके साथ अलिफ बा ता सा कुरान पाक के सारे हरूफ, अगर फ़र्ज़ करें कि आपका इन में से कोई एक नाम है, इन नक्श मोकिल में से आप पहले देखें कि आपका नाम का पहला हरूफ या आपका आखिर वाला हरूफ कौन सा है। ठीक है, पहला हरूफ हो तो ज़्यादा बेहतर है, आखिर वाला हो तो चलो वो भी बेहतर होता है, लेकिन पहले हरूफ में ज़्यादा ताकत होती है। आप अपने नाम का पहला हरूफ तलाश करें कि उस नाम का कौन सा मोकिल है। ठीक है, अब आपने ये गौर से देख लेना है नक्श। ठीक है, आप देखें कि इस नाम का जो मोकिल है वो आपका कौन से वाला है। आपको समझ, जैसे कि अब लफ्ज़ है मोहम्मद तो मोकिल मीम वाला है, नक्श में जो है नाम है मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला हरूफ जो है मीम है। अब अल्लाह, अल्लाह का पहला हरूफ जो है अलिफ़ है, तो इन अल्लाह के नाम का पहला मोकिल अलिफ है। ठीक है, और इसी तरह आपने अब तलाश कर, जैसे अहमद, अहमद का पहला अलिफ है तो अलिफ का पहला मोकिल जो आपको नज़र स्क्रीन पे आ रहा है ये पहला मोकिल, ये सिर्फ आपने 33 मरतबा पढ़ना है। 33 मरतबा पढ़कर जो हुक्म इस मोकिल के नाम को देंगे अल्लाह के हुक्म से, वह हुक्म है मेरे रब के, तो वो आपका काम हो जाएगा। ये जो अमल है इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें कि किस किस मकसद के लिए आप काम कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कोई आपको बहुत परेशान करता है, कोई बहुत तकलीफ़ पहुँचाता है, तो आपने अपने हरूफ के नाम का जो है मोकल को हुक्म देना है कि बहुक्म अल्लाह मेरा ये काम कर दें। ठीक है, आपने नाम लेना है, जैसे फ़र्ज़ करें एक लफ्ज़ है, अगर किसी का नाम दाल से है तो आ जाता है दरदाइल, अगर किसी का नाम से है तो कलकलाइल काफ से, तो फिर आपने वही नाम लेकर तो कहना है कि ऐ मेरे मोकिल, मेरे नाम के पहले हरूफ के मोकिल, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से मेरा ये काम कर दें, तो इंशाल्लाह इसी वक्त, उसी वक्त आपका काम हो जाएगा। ये एक ऐसा नायाब नक्श है, इसकी, इसको इस्तेमाल करने का तरीका कोई कोई आपको बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा। जो सच्चा आमिल होगा, जो अल्लाह का वली होगा, सिर्फ उसको ये राज पता है। नंबर दो, आपने क्या करना है, दो नफल हाजत के, और उसका जितना भी नफलों का जितना भी सवाब है ना, दो नफल हाजत के, ठीक है, उसका जितना भी सवाब है आप उस मोकिल को दीजिएगा। जब आपका काम हो फौरन उसका सवाब उस मोकिल को दें। अब ये काम जो सा, अगर किसी अपने प्यारे को आपने बुलाना है और वो बहुत दूर है, सात समुंदर पार है, तो आप ये वाला अमल करें, अपने नाम का मोकिल तलाश करें। ठीक है, तो आप जो इसकी जो लफ्ज़ों की जो मोकिल की तादाद है वो 33 मरतबा है पढ़ सकते हैं, 21 मरतबा पढ़ सकते हैं, फिर आप 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, और फिर 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। आप इस तरह पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप जितना पढ़ें, लेकिन 21, 11 और 7 और 33, ये चार ऑप्शन हैं। अब आपने अपने नक्शे मोकिल को, ये नक्शे मोकिल बहुत ताकत रखता है। अगर किसी ने कोई काम करना हो, जैसे बहुत बड़ा काम हो, ठीक है, उससे पहले रात के वक्त, इशा के पहले दिन, मतलब कि आपने इशा की नमाज़ या फिर सुबह सुबह फजर के टाइम आपने ये अमल करना है। ठीक है, तो अपने मोकिल को हुक्म देना कि मेरा, मुझे सपोर्ट करे, मेरा साथ दे। अगर किसी के पास कोई कारोबारी मसला है, अगर उसने कारोबार में जाना है, तो ये अमल ज़रूर करता हुआ जाए, इंशाल्लाह इतना इतना उसका कारोबार में फ़ायदा, मुनाफा और रिस्क आएगा कि आपकी सोच है। नंबर दो, अगर किसी के, जैसे बच्चों के आजकल रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, भाइयों के रिश्ते बच्चों के नहीं होते, माँ बाप बहुत तकलीफ़ में होते, बहुत
बहुत परेशान, तो यही अमल वो भी कर सकते हैं, जिस दिन रिश्ता आना हो उस दिन ही अमल करें। किसी ने पसंद की शादी का मसला है तो वो भी ये अमल इस तरह कर सकते हैं कि इसी तरह आप सुबह फजर के टाइम नमाज़ पढ़ के तो ये अमल करें और उनको हुक्म दें कि जिसका आज रिश्ता आना है या जो नहीं आ रहे रिश्ते लेके तो वो हमारे घर में हाजिर हो जाएं। ये अमल जो उनसे है आप वैसे 3 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर वाजिया अल्हम्दुलिल्लाह आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन तरीके जो मैं आपको समझाती हूँ उतना डिटेल से आप उसी से करें। नक्श मैंने स्क्रीन पर चलाया, यहाँ से आप उतार भी सकते हैं, फ़ोटो कापी भी करवा सकते हैं। इस नक्श का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप इसकी फ़ोटो कापी करवा कर आप अपने पास रख लें तो इंशाल्लाह बिगड़े काम आपके सवरने लग जाते हैं। ये तमाम मोकिल नक्श आपकी मदद, जितने भी ये मोकिल हैं, क्योंकि तमाम बड़े बड़े मोकिल हैं अलीफ से लेके या तक जो उनसे मोकिल हैं, ये आपकी मदद और आपको सपोर्ट करते हैं। नंबर 3, एक बात याद रखें कि आपने इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना, नहीं तो ये जितना आपसे प्यार करते हैं, जितने ये रहम दिल हैं उतने ये सख्त भी हैं, क्योंकि अल्लाह के मतलब के काम में दखल अंदाजी करना या गलत उसका इस्तेमाल करना भी तकलीफ़ होती है। अब नक्श मोकिल जो सा है आप अपने पास रखें, आपको देखिएगा इसके करामात और इसकी जो फ़ज़ाइल हैं वो। अगर आप चाहते हैं कि नक्श मोकिल मैं आपको बना के दूँ या मैं आपको जो सा है सेंड करूँ, अपनी बहन से रब्ता करें। इनशाला जो भी मेरा भाई जिस परेशानी में होगा पहले मैं इस्तखारा करूँगी, फिर इनशाला उसको नक्श मोकिल खुद अपने हाथ से बना कर दूँगी। आप परेशान नहीं हों, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। मैं आपकी बहन आपके छोटे छोटे मसाइल के लिए, छोटी छोटी परेशानियों को देखते हुए मैं आपसे हर बात जो है आपको वो राज बताती हूँ, वो इलम बताती हूँ जो आपको कभी कोई भी नहीं बताएगा और ना ही किसी को पता है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी मेरी उम्र में मैंने रूहानियत सीखी और मुझे अल्लाह पाक का ख़ास फ़जल हासिल था, रहम हासिल था, रहमतें बरकतें थी, तो छोटी सी उम्र से मेरा ये, क्योंकि मेरा पीछे घराना आलमों का है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी जो उनसे आलिम भी बन सकते हैं, आमिल भी बन सकते हैं, आप हाफिज़ भी बन सकते हैं, अपनी बहन से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। जो भी मसला, जो भी परेशानी, छोटी छोटी बातें जो भी हैं अपनी बहन को बताएँ। आपकी बहन खिदमत खल के लिए पूरी ज़िंदगी मैंने वक्फ़ की अपनी, तो अपना ख्याल रखें।